और स्टेपी सबसे छोटी मसल है। ठीक है, इसमें बताते हैं यहाँ जो एक्सटर्नल ईयर था वहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन था, है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन था। कैसे कवरिंग थी, अंदर से और बाहर से, है? बाहर से किसकी थी, स्किन की, और अंदर से म्यूकस की, है ना। उसके बाद मैलियस इनकस्ट बताया था। फिर इनर ईयर में आएंगे तो इनर ईयर में बताया था ओवल विंडो होगा, और ओवल विंडो से आगे जाएगा तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था बाहर होगा पेरिलिप, अंदर होगा एंडोलिम, है ना, ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। जब देखो कह रहे कि जो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर होता है उसको बोलते हैं बच्चे क्या, लेबरिन। क्या बोलेंगे, लेबरिन। जरा देखो यहाँ पे, ये देखो कह रहे यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर होता है इसको बच्चे बोलते हैं क्या, लेबरिन। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स होता है, द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेबरिन। दो होते हैं लेबरिन, एक बोनी होगा, दूसरा कैसा होगा, मेम्ब्रेनस होता है। देखो कैसा होगा, मेम्ब्रेनस। देखो जैसे मान लो हम बात करते हैं कि ये देखो इस टाइप का है, यानी कि दो होता है, एक अंदर होता है एक बाहर होता है। जो बाहर वाला होगा उसको बोलेंगे क्या, बोनी लेबरिन, बोनी लेबरिन हो जाएगा। और जो अंदर वाला होगा उसको बोलेंगे क्या, बोलो, मेम्ब्रेनस हो जाएगा, है ना, हो जाएगा मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेनस हो जाएगा, मेम्ब्रेनस लेबरिन, ठीक, लेबरिन। और बताया था यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस लेबरिन होता है उसके अंदर क्या भरा होता है बच्चे, बोलो क्या भरा होगा, है, क्या भरा होगा, इंडोलिम। क्या बोलते हैं, इंडोलिम। और जो यहाँ बाहर होता है बोनी लेबरिन, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर होता है पेरिलिम। ये जो भरा होगा अंदर, इसकी बात करेंगे हम लोग, ये है इंडोलिम, हो जाएगा इंडोलिम, जाएगा इंडोलिम। और अंदर जो बाहर तरफ है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे क्या, पेरिलिम। देखो ये उसको बोलते हैं हम लोग पेरिलिम, ठीक। ये पूरा है कहानी इसकी, ठीक। वही मैंने बताया था यहाँ पे से पेन होता है, पेन को आगे से काट दोगे तो क्या दिखाई देगा, एक तो रिफिल वाला पोर्शन दिखाई देगा, और दो पेन के बीच जगह देखो तो वो दिखाई देगा आपको, है ना। तो जो जगह बीच में खाली रहता है हमारे पेन में उसको हम लोग क्या, किसे यहाँ बताया है, पेरिलिम से भरा होता है। और जो रिफिल होता है उसके अंदर इंक भरा होता है तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं यहाँ पे, इंडोलिम। क्या बोलेंगे, इंडोलिम। वो अंदर भरा हुआ जो इंक चलता है हमारा, वास्तव में अगर कंपेयर करो तो वो इंडोलिम ही होता है, ठीक। हमने जो स्ट्रक्चर था इसी को हमने क्या कर दिया है, ऐसे था, ये देखो इस टाइप, हमने इसी को यहाँ से काट दिया है, यहाँ से काट दिया, वो हमने आपको ऐसे दिखाया, तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। एक तो बात ये समझ लेना, यहाँ पे इसमें जो मेम्ब्रेनस बॉइलिंग होता है, मेम्ब्रेनस मैंने बताया कि इसे ट्यूब जैसा होता है इस टाइप में, ठीक है, ये देखो ये, तो इसमें दो चीज़ें लेयर है, देखो एक अंदर के लेयर है और एक बाहर के लेयर है। जो अंदर के लेयर होता है यही ट्विस्ट कर जाएगा, देखो ये इस टाइप से पूरा ये ट्विस्ट कर जाएगा, इस तरह से पूरा घूम जाता है, ठीक है। और यही ट्विस्ट करने के बाद आगे चल के बनाता है कॉकलिया। क्या बनाएगा, कॉकलिया, घूम जाता है उसी में, जस्ट साउंड वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए इसको घुमा दिया जाता है, बहुत ट्विस्टेड होता है। तो कौन से मेम्ब्रेन को घुमाया जाता है बच्चे, मेम्ब्रेनस की बोनी है, मेम्ब्रेनस। तो आगे चल के जो कॉकलिया बनाता है वो कौन बनाता है, मेम्ब्रेनस बोइलेंथ, यही कॉकलिया बनाता है इस टाइप से, ठीक है। ये अंदर देखेंगे तो ये हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेनस बोइलेंथ आगे चल के कॉकलिया का फॉर्मेशन करता है। इसके बजाय देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे हम बात कर रहे हैं तो आगे लिखा भी हुआ है। तो ये आपने देख लिया कि मेम्ब्रेनस और बोनिलिन पाया जाता है इस टाइप। देखो दूसरी बात करें कि यहाँ पे इनसाइड दिस चैनल लाइज द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, और इसमें पाया जाता है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है, देखो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फील्ड, और फ्लूइड भाग्स क्या बोलते बच्चे, पेरिलिम। क्या बोलेंगे, पेरिलिम। देखो ये हमने बताया था आपका मेम्ब्रेनस बोनिलिंथ, ठीक है, और जो सराउंड करता है, देखो सराउंडेड बाय फ्लूइड फील्ड पेरिलिम। तो बाहर क्या है, पेरिलिम्फ है, अंदर क्या है, देखो इंडोलिम्फ, अंदर क्या है, इंडोलिम्फ। देखो द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड द इंडोलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होगा, ठीक है, अंदर वाला, वो किससे भरा होता है बच्चे, इंडोलिम्फ से। किससे, इंडोलिम्फ से। ये पूछा जाता है क्वाइल पोर्शन ऑफ लेबरिंथ, क्वाइल पोर्शन ऑफ लेबरिंथ, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आधा अधूरा बात करते हैं एनसीईआरटी वाले, धीरे से चेंज कर देंगे,
वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कुछ क्या कर, देखो क्वाइल पोर्शन ऑफ द कौन सा लेबरिंथ, अभी बताया मैंने मेम्ब्रेनस की बोनी जो कॉकलिया बनाता है, हैं मेम्ब्रेनस बच्चे मेरे मेम्ब्रेनस, देखो यहाँ पे इनको लिखना चाहिए कौन सा लेबरिंथ। अब लेबरिंथ हम क्या समझे भाई, लेबरिंथ दो होते हैं, मेम्ब्रेनस भी होता है बोनी भी होता है, तो हम किसको मान लें है कि नहीं, हमें सपने नहीं आते हैं तो सगुन आते हैं नहीं आते। यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ की बात करें, ये आबादी कहाँ गायब हो गई, कहाँ चले गए, आई नहीं, कोई फेस्टिवल है क्या आज, क्या है तो फेस्टिवल तो आप लोग के लिए भी है, फेस्टिवल तो आपके लोग के लिए, ऐसा क्या लड़के गायब हो गए, आए नहीं है, लड़कियां तो आई हैं पूरी, इसलिए लड़कियां आके जा रहे हैं, कोई दूसरी वजह नहीं है, कहती लड़कियां तो आके जा रही हैं, लड़कियां जाएंगी, लड़कियां पढ़ती तो जाएंगी नहीं आगे, ये देखो। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कहने की इंडोलिंग पर रहे हैं, क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ लेबरिंथ, तो ध्यान रखें इसका, ये हम लोग बात करें यहाँ पे हाँ हाँ जाहिर सी बात है, क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबरिंथ इज कॉल्ड अ कॉप, यहाँ पे नोट कर लीजिए, अंदर थोड़ा सा ब्रैकेट करके बना लीजिए, कौन सा लेबरिंथ बच्चे, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ की ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ध्यान रखिएगा इसको, ये पूछ सकता है आपसे, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉकलिया, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, घूमी घूमी करके पूरा रोटेट करा दिया था टूथ में, ठीक है, सो बोलते हम लोग कॉकलिया, नोट कर लो। आज का टॉपिक जबरदस्त है, जो नहीं आएगा ना आधा मैं गैप कर दूंगा, अभी जो नेट चल रहा है इसको बंद कर दूंगा। अरे गलत बात क्यों, जो नहीं आज क्या करेंगे उसको, देखो क्या 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 देखो 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 हाँ ठीक है, देखो कह रही कि मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट कॉकलिया, कह रही कि मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट कॉकलिया द रेजनर्स एंड द बेसलर मेम्ब्रेन, और देखो यहाँ पे कह रही जो मेम्ब्रेन होती है जो कॉकलिया बनाती है उसमें क्या होता है, देखो रेजनर्स ऑन बेसलर मेम्ब्रेन होती है, डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम, सराउंडिंग पेरिलिम फील्ड बोनी लेबरिंथ इनटू, इसमें देखो इनटू अपर अपर स्केला वेस्टिबुलाई और लोअर स्केला टेम्पेनाई और बीच में स्केला मीडिया, क्या स्केला मीडिया, देखो अगर हम इसको बात करें ये देखो तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो अगर इसको हम मान लो ऐसे कर देते हैं, देखो यहां पे कह रहे हैं बच्चे कि जो ऊपर वाला होता है इसको इसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला वेस्टिबुलाई वेस्टिब्यूल बोल सकते हैं, ठीक, ये क्या होता है बच्चे स्केला मीडिया, क्या स्केला मीडिया, तो क्या बोलेंगे बच्चे स्केला टेम्पेनाई, आप पूरे कान को काट डालो सेक्शन से, ठीक है, तो क्या क्या दिखाई देते हैं ये आपको नजर इसमें आएगा, देखो और देखो, अच्छा बताओ बच्चे ये जो यहाँ भरा क्या है, ये बताओ तो जाने क्या भरा है, पेरिलिम कि इंडोलिम्फ है, हैं इंडोलिम्फ, क्या है इसमें पेरिलिम्फ है मेरे लाल, उठ जाओगे यहाँ पे, ये इंडोलिम्फ यहाँ भरा हुआ है, देखो ये क्या बच्चे पेरिलिम्फ है और यही घूमता हुआ घूमे घूमे करके यहाँ पे आ गया है, यहाँ भी क्या होगा अगर आपसे पूछते स्केला टेम्पेनाई में क्या मिलेगा, पेरिलिम्फ की इंडोलिम्फ और स्केला वेस्टिबुलाई में क्या मिलेगा, अरे रोड तो वही जा रही है कहाँ रक्षण हो गई, तो बच्चे ये जो भरा हुआ है इसको बोलेंगे पेरिलिम्फ, ये क्या है पेरिलिम्फ, ठीक है, और ये जो बीच में जो मिलेगा बच्चे बीच में जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग क्या इंडोलिम्फ, ठीक क्या है ये इंडोलिम्फ, ये है इंडोलिम्फ, ठीक, अच्छा इसका नाम बताओ बच्चे इस, क्या है ओवल विंडो का राउंड विंडो है, ओवल विंडो है, विंडो समझते हो ना खिड़की, मेरे सामने वाली क्या खिड़की कौन रहता है,
सामने वाली खिड़की पे एक तोता रहता था, उड़ गया वो। देखो अगला हमारे पास क्या बच्चे, इसको बोलेंगे इसकिला, क्या बोलेंगे सॉरी, इसको बोलेंगे बच्चे हम लोग इसकिला, सॉरी ओवल विंडो, और ये क्या बोलेंगे राउंड विंडो, क्या बोलेंगे इसको राउंड विंडो। ये मैंने कान को काट के दिखा रहा हूँ आप, ठीक, कान को काट के दिखा रहा हूँ, इट्स नॉट मतलब ये हो गया कान का पूरा पार्ट, ठीक। आपको इसकिला विस्टुबुला, इसकिला टिम्पनाई और इसकिला टिम्पनाई और इसकिला मीडिया, ठीक। अगर देखो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इसकिला विस्टुबुलाई होता है उसकी बेस को रीजनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे रीजनर्स मेम्ब्रेन। जरा देखो यहाँ पे तो बच्चे ये जो हो जाएगा, हम इसकी बात करें, इधर आ जाओ, रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक। क्या बोलेंगे इसकिला विस्टुबुलाई के बेस को क्या बोलते हैं बच्चे, रीजनर्स मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे रीजनर्स मेम्ब्रेन। मैं इसको ऐसे बना दूं, और देखो जरा जो इसकिला मीडिया के बेस होता है बच्चे, ये देखो और ये देखो, इसको क्या बेस्ट में कुछ है नहीं, सब ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा। बेसलर मेम्ब्रेन ध्यान रखिएगा, इसकिला मीडिया के मेम्ब्रेन को, बेसल पार्ट को बोलेंगे क्या बेसल मेम्ब्रेन, और इसकिला विस्टुबुलाई के मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग कौन सा रीजनर्स मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया कई बार, ठीक है, रीजनर्स मेम्ब्रेन इज द बेसिस बेसल पार्ट ऑफ इसकिला विस्टुबुलाई, इसकिला मीडिया, इसकिला टिम्पनाई। नहीं समझ में आएगा तो सब क्वेश्चन गलत, ठीक, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलो ये हम लोग बात कर रहे हैं कान के अंदर के सेक्शन को हम लोग काट रहे हैं, दो काम पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, बॉडी बैलेंस करना, साथ साथ में जो हियरिंग वाली प्रोसेस होता है यहीं से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये हो गया, और क्या बताएं इसमें बच्चे, कुछ बचा क्या, देखते हैं जरा, और जरा देखो इसको, यहीं पे सारा पोस्टमार्टम मैं आज कर दूंगा, आज मैं इसका पोस्टमार्टम कर ही देता हूँ। देखो ये दोहरा इरेजर तो छोटा नहीं हो सकता क्या, अरे यार, अरे यार देखो ये तो पूरा मिट गया, छोटा इरेजर होता है खास क्या, मन देखो इसकिला का लिखे तो हम भूल भी गए, देखो मीडिया, मीडिया देखो कहने मतलब ये है तो हमें मिट, पेन जैसा इरेजर होना चाहिए था। अगर हम देखें यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे इसको खत्म कर दूंगा ना, तो देखता हूँ ये रेजर इसका बहुत बड़ा है, छोटा नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं आया हमारा इंजीनियर, मैं सोच रहा हूँ इसे समझा दूं, देखो ठीक है अब समझ तो गए हो गए है ना। देखो 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 ये बच्चे है इसकिला मीडिया तो समझ गया हो गए, अब यहीं पे देखोगे जो बेसलर मेम्ब्रेन होता है यहीं पे कुछ हेयर सेल पाए जाते, क्या पा जाएंगे हेयर सेल, देखो बेसलर मेम्ब्रेन पे यहीं पे कुछ हेयर सेल पाए जाते, देखो इस टाइप होता है, हेयर सेल पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, देखो ये इस टाइप, क्लियर, क्या पा जाएगा हेयर सेल, और यहीं पे निकले होते हैं स्टीरियोसीलिया, क्या निकलता है स्टीरियोसीलिया, देखो जरा ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ पढ़ रहे हैं, ये निकला होता है स्टीरियोसीलिया में, और देखो जरा कह रहे हैं इसी स्टीरियोसीलिया के ऊपर एक मेम्ब्रेन, देखो ऐसे होते, देखो ये गया, ए देखो ये गया, ठीक है ऊपर से रहता है, कोई नाम बताएगा इसका, तो बोलते हैं बच्चे पिक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे पिक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं पिक्टोरियल मेम्ब्रेन, आपने देखा होगा नदी में जब पानी बहता हुआ रहता है तो उसमें जब घास बहुत सारी उगी रहती है, जब पानी बहता है तो घास भी ऐसे ऐसे होता है चलती रहती है,
वैसे यहाँ भी है, पूरा भरा क्या है इसमें, फ्लूड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है अंदर कान में। देखो तो होता क्या है कि जैसे बॉडी को हिलाते हो तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी हिलता है, और इसके हिलने से ये पूरा जो हेयर सेल होता है ये हिलता है, और इसी हेयर सेल से यहाँ पे जो सेल होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं हेयर सेल, यहाँ से स्टिमुलस जाता है, यहीं पाया जाता है एफरेंट नर्व फाइबर। क्या? एफरेंट नर्व फाइबर भी यहीं पाया जाता है। देखो ऐसे यहाँ पे बेस पे मैं इसको बना दूँ ब्लैक कलर का, को बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर ठीक, समझ गए? तो कहने मतलब जो टिक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पे मूव करता है तो उससे क्या होता है इसमें, देखो मतलब मैं इसको बता दूँ ये मैंने बनाया क्या। देखो इसके लिए मुझे, मेरे पास जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ, तो पहले मिला दो। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये बच्चे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। देखो तो आपसे पूछे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ पा जाए, तो क्या बताओगे कि ये हेयर सेल के ऊपर जो स्टीरियो सीलिया होते हैं उसके ऊपर कवर करते हैं। जैसे आपका हेयर हेड हो गया और आपने ऊपर टोपी लगा रखी, जस्ट लाइक टू दैट। यहाँ पे जो बच्चे होता है जो ब्लू कलर का बताया हमने, तो बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलेंगे? स्टीरियोसीलिया। ये है स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। और देखो, और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर बना रखा है आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चे हैं हेयर सेल। ये होते हैं हेयर सेल, मैं इसको किस कलर का बना दूँ जो दिखाई दे प्रॉपर। ये होता है बच्चे हेयर सेल, थोड़ा सा मौज पोच लग रहा होगा आपको लेकिन फिर भी समझ जाइए। तो एफरेंट नर्व फाइबर जो है, यही जो बेस वाला पार्ट है बेसलर मेम्ब्रेन, इसी के जस्ट नीचे लग रहा था, ठीक है। और यहीं से लगने के लिए होते हैं बहुत सारे हेयर सेल, और इसी हेयर सेल में होते हैं ऊपर स्टीरियोसीलिया पाए जाएंगे, इसी स्टीरियोसीलिया के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। माया ठीक है, नोट कर लो, फटाक जल्दी करो, आपके पास में कुछ जगह बचा होगा उसी जगह में निपटा दो इसको। क्लियर? हो गया, आगे बढ़े। आ जाओ दो, इसे देख लो जरा। हमने क्या बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं इनर ईयर। इनर ईयर में जैसे आप यहाँ जो ओवल विंडो, यहाँ से कौन सी बोन अटैच होगी, यहाँ पे मैलियस इनकस स्टेप में, स्टेपिडिस, कौन सा स्टेपिस बोल सकते हो, ठीक। तो स्टेप जो बोन होती है वो यहाँ से उड़ा होगा किसके, ओवल विंडो से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्कला विस्टिबुलाई मिलेगा, ठीक है। स्कला विस्टिबुलाई नीचे आता है, यहाँ पे कहाँ मिलेगा, स्कला टिम्पनाई में। और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्केला मीडिया। क्या बोलेंगे? स्केला मीडिया। देखो आगे तो मैंने मिटा दिया है इसको, तो मैंने मिटा दिया लेकिन मैं इसको लिख दूँ, हो सकता है कोई बच्चा जो है स्क्रीन शॉट लेकर कहे कि सर आज पर स्केला लिखा हुआ है ना, कमेंट करते हैं स्केला मीडिया। तो स्केला नहीं, स्केला मीडिया, ठीक। देखो अब करें यहाँ पे ये जो इसके ऊपर, यहाँ पे हमने बताया कि जो यहाँ से बेसलर मेम्ब्रेन, हाँ जो हमारा स्केला टिम्पनाई, उसकी मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं बच्चे, देखो रीजनस मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। रीजनस मेम्ब्रेन स्केला विस्टिबुलाई का बेसल पार्ट का नाम है, ठीक। और जो बेसलर मेम्ब्रेन होता है बच्चे, ये जो है स्केला मीडिया के बेसल पार्ट का नाम है। इसी पे यहाँ पे एफरेंट फाइबर पाया जाता है जो नर्व इम्पल्स को लेके आएगा, जो नर्व इम्पल्स को लेके, यहाँ जो भी नर्व इम्पल्स होता है उसको आगे ट्रांसफर करता है, कहाँ ले जाएगा, ब्रेन पे। किसको ले जाएगा? यहाँ से जो भी मैसेज होगा सुनने वाला यहाँ से ले जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे एफएम नर्व फाइबर, कहाँ जाएगा, ये ब्रेन को जाएगा। किस पे जाएगा? ब्रेन को, ठीक, ब्रेन को जाएगा। ऑडिटरी सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑडिटरी सिस्टम, वहां पे जाएगा। जो भी आवाज होगी किसी टाइप की होगी वो जाके उसको एनालाइज कर लेगी, जो आगे आवाज आ रही है बहुत बड़ा जानवर नहीं, बस सिर्फ शेर है, वही आ रहा है, भूखा है 8-10 दिन से, और वो उसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद ये हो गया, और अंदर जो भरा होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग इंडोलिम्फ, बाहर होगा पेरिलिम्फ। ये थोड़ा लिक्विड आपको ध्यान से रख लीजिएगा। क्लियर हुआ? अगला फीवर आगे फिगर इसका बनाया भी गया है। क्लियर? एक बात और देखो, जो हमने बनाया आपको ये बोनी लेबरिंथ, जो खैर अभी हम आपको जब इसके बैलेंसिंग वाला पार्ट बताएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इतना ही देखो इसको। क्लियर? अब आते हैं इसके आगे। बन गया?
देखो अभी वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो तो आपसे पूछे कॉकलिया कौन बनाता है, बोनी लेवरन की मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस कौन बनाएगा? भूल तो नहीं जाओगे, भूल जाओ तो कूट दिया जाओगे। यहाँ देखो कह रहे हैं विद कॉकलिया कॉल्ड द स्किला मीडिया, क्या बोलेंगे स्किला मीडिया इस फील्ड विद द इंडोलिम, किससे भरा होगा बताओ, इंडोलिम से ठीक है, एट द बेस ऑफ द कॉकलिया, जब कॉकलिया होता है उसके बेस की बात करते हैं, स्किला विस्टुबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो, और स्किला विस्टुबुलाई कहाँ खत्म हो जाता है, ओवल विंडो पे, क्योंकि देखा था आपने ओवल विंडो, व्हाइल द स्किला टिम्पनाई टर्मिनेट एट द राउंड विंडो, स्किला जो टिम्पनाई होता है कहाँ खत्म होता है, राउंड विंडो पे, आपने देख लिया, विच ओपन टू द मिडिल ईयर, जो खुलता कहाँ है, मिडिल ईयर पे, देखो कान का सेक्शन काटा गया है, जैसे मैंने उधर दिखाया वैसे इधर देख लो, ये देखो सबसे ऊपर कौन सा बताया बच्चे, स्किला वेस्टिबुलाई ठीक, और स्किला वेस्टिबुलाई की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं बच्चे, रिजनस मेम्ब्रेन, और बीच में क्या बोलेंगे उसको, स्किला मीडिया, स्किला मीडिया की मेम्ब्रेन जो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे, बेसलर मेम्ब्रेन ठीक है, और उसी बात हमने जो ऊपर सिस्टम बताया था, जो पूरा सिस्टम बनाया था स्टीरियो हेयर सेल, उसके ऊपर उसमें स्टीरियो सिलिया थे, ऊपर क्या थे हमारे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थे, पूरे सिस्टम को क्या, पूरे सिस्टम का एक नाम देते थे क्या, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, वही पूरा जो सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये मैंने आपको नहीं बताया था, और कॉर्टाई वाद कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है अल्फोंसो से, किससे, अल्फोंसो नाम क्या था, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है, अरे पूरा नाम क्या था साइंटिस्ट का, अल्फोंसो कॉर्टाई, ये बताया था यहाँ पे सबसे पहले जो इंट्रो कराया था मैंने बताया था, इसके बारे में आगे बात करेंगे ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अल्फोंसो कॉर्टाई, और उसी नाम रखा गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो भी सिस्टम मैंने बताया था उसी बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे इसी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर स्टीरियो सिलिया हेयर सेल जो बताया था उसी सिस्टम को बोलते थे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और इसी के बारे में बताया था अल्फोंसो कॉर्टाई ने। आगे देखो दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे इसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन, देखो ये वाली ये जो मेम्ब्रेन है इसी का नाम क्या होता है बच्चे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जब भी हेयर सेल मूव करता है ये मेम्ब्रेन भी यहाँ पे मूवमेंट करते हैं ठीक। उसके बाद सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा था बच्चे, स्किला टिम्पनाई, और स्किला टिम्पनाई के बेस को कोई नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप भी याद मत रखो, जितना दिया है उतने बहुत है ठीक। और यहाँ पे दिया हो गया है, यहाँ से होता है एफरेंट फाइबर, क्या होता है यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे चलता है इसके जस्ट नीचे एफरेंट फाइबर, ये जाएगा एफरेंट फाइबर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसी जस्ट नीचे लगा जो भी मैसेज होगा यहीं से इसको मिल जाता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, फिगर वाला क्वेश्चन आ चुका है लेबलिंग करने के लिए, तो इसके फिगर तो बहुत ही मुश्किल, हाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रीजनल मेम्ब्रेन कहाँ होता है ठीक है, और आपके बेसलर मेम्ब्रेन कहाँ होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ इसमें आगे, देखो क्या कह रहे हैं बच्चे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन, वहां हमने बताया था आपको, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ होगा, बेसलर मेम्ब्रेन पे, हेयर सेल कहाँ हो गए, बेसलर मेम्ब्रेन पे ठीक है। अब कह रहे हैं कि विच कंटेन हेयर सेल, यहाँ क्या पाए जाते हैं बच्चे, हेयर सेल पाए जाते हैं दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, और ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, यानी कि जो भी साउंड होगा उसको परसीव कर लेते हैं। द हेयर सेल आर प्रेजेंट, हेयर सेल आर प्रेजेंट इन रोज, रोज के फॉर्म होते हैं ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कार्टाई, जो ऑर्गन ऑफ कार्टाई होते हैं उसके अंदर साइड में, बताया ना देखो इस टाइप में कैसे होते हैं, बिल्कुल रोम में लगे होते हैं, ये देखो है ना, ये देखो बताया ना, कह रही है बिल्कुल रोम में लगे होते हैं, एक कतार में लगे होते हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे जब बेसल एंड होता है हेयर सेल का इज क्लोज कनेक्टेड विथ एफरेंट नर्व फाइबर, जो बेसल पार्ट किससे कनेक्ट होता है, एफरेंट नर्व फाइबर से, ये देखो एफरेंट नर्व फाइबर, क्लियर हुआ, और यहाँ जो भी मैसेज आता है यहाँ पे मिल जाता है। देखो नंबर ऑफ प्रोसेस करेंगे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द स्टीरियोसिलिया, कह रहे हैं यहाँ पे स्टीरियोसिलिया भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्टीरियोसिलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल एबव द रोज ऑफ द हेयर सेल इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, क्या होता है बच्चे, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। देखो आगे द इनर ईयर आल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो समझ, ये जो मैंने ऊपर वाला पार्ट बताया ये सिर्फ सुनने के लिए बताया हमने, सुनने के लिए मैकेनिज्म, जो भी आप सुनेंगे उसकी साउंड जो है अंदर जाएगी पेरिलिम से होते हुए ठीक है, कहाँ जाएगी, इंडोलिप में, और इंडोलिम से जो मैसेज होगा वहां से
नर्व फाइबर के थ्रू वॉइस पहुंचेगा, कहाँ जाएगा, आरटीटी रिसेप्टर के थ्रू, कहाँ पे, आरटीटी जो सिस्टम होगा, सेंटर होगा सुनने वाला, वहां पहुंचेगा। उसके बाद वहां पे जो भी मैच, जो भी साउंड होगा उसको एनालाइज कर लिया जाएगा, ये साउंड आ किस चीज की रही है, इसमें आया। अब सवाल ये है कि बॉडी बैलेंस वाला पार्ट देख लेते हैं कि बॉडी को बैलेंस कैसे करता है। दो काम हमने बताया था, एक हियरिंग का था, सॉरी देखो याद हो क्या, इतने पैसे कौन रख के चला गया यहाँ पे, अरे वाह क्या बात। देखो दूसरा क्या करें, आप देखो दूसरा करें, हम लोग बॉडी के बैलेंस करने वाला है ना, आप पैसे पैसे दिख रहे हैं देखो। हाँ और क्या, देखो फिजिक्स वाले सर का तो नहीं है, मजा आ जाएगा है सर का है, अरे वाह। देखो कह रहे हैं देखो देखो यहाँ पे दूसरे कह रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग बात करें बॉडी के बैलेंस करने के लिए, बॉडी के बैलेंस कैसे करते हैं, जरा उसको देख लेते हैं यहाँ पे। बॉडी बैलेंस हम लोग पढ़ेंगे, बॉडी बैलेंस क्या, देखो फिर द इनर ईयर आल्सो कंटेन ए कंप्लीट सिस्टम कॉल्ड द वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या होता है बच्चे, वेस्टिबुलर एपरेटस देख लो, देखो देखो तो इनर ईयर में आल्सो कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड द वेस्टिबुलर एपरेटस। बॉडी को बैलेंस करने के लिए वेस्टिबुलर एपरेटस पाया जाता है, लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, ये जस्ट कॉक्लिया के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, कॉक्लिया के ऊपर। कॉक्लिया कौन बनाता था, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है ना, कौन सा मेम्ब्रेन, लेब्रिंथ। फिर वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है बच्चे इज कंपोज ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, और किसका बना होता है देखो, यानी तीन सेमी सर्कुलर कैनाल के मिलके बना होता है, एंड द ओटोलिथ, ठीक है ओटोलिथ इसको बोलते हैं। माइकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सर्कुलन यूटिकल, सेंसरी पार्ट ऑफ सर्कुलन यूटिकल। यहाँ देखो कह रही कि सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना होता है, साथ साथ में ओटोलिथ में से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, ओटोलिथ। और ओटोलिथ में क्या होता है देखो, ओटोलिथ में दो पार्ट होते हैं, एक सर्कुल होता है और यूटिकल होता है। सर्कुल और यूटिकल मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या, माइकुला। क्या बनाएंगे, माइकुला। यहाँ एक बार बताया थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और देखो फिर ईच सेमी सर्कुलर कैनाल इज लाइज इन ए डिफरेंट प्लेन एट ए राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं, कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। फिर द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम, ये पेरिलिम पाए जाएंगे ऑफ द बोनी कैनाल, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, देखो तो पहला इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, द बेस ऑफ कैनाल, इसको देखो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टिबुलर एपरेटस की, देखो तो बॉडी के जो बैलेंस किया जाता है, देखो बच्चे कैसे करेंगे, देखो बॉडी बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, ये किससे होता है बच्चे, बाय वेस्टिबुलर एपरेटस, एपरेटस इसके द्वारा इसको एपरेटस क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस कर देते हैं। देखो अब देखो वेस्टिबुलर एपरेटस में बताया था दो पार्ट होते हैं, एक हमने बताया था थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। दूसरा क्या बताया बच्चे, ओटोलिथ, क्या ओटोलिथ, ठीक क्या होता है ओटोलिथ। यहाँ देखो यहाँ ध्यान से, फिर जो ओटोलिथ होता है बच्चे इसमें दो पार्ट बताया था यहाँ पे, एक होता है सैक्यूल और दूसरा होता है यूट्रिकल, सैक्यूल और यूट्रिकल दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं क्या बच्चे, बोलो, ये बनाते हैं माइकुला। आपने पढ़ा था माइकुला लुटिया, कहाँ पढ़ा था, हाँ इसमें दूसरा नाम क्या था, कोविया तो पिट्स का नाम था बच्चे, येलो स्पॉट, क्या बोलते इसको, येलो स्पॉट। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता, हो गया टाइप का, और
टाइप का है, दिख रहा है ये तीनों बिल्कुल आप दिख रहा है ये पूरा एक दूसरे की कहते हो 90 डिग्री, कैसा 90 डिग्री होते हैं। ठीक, यहाँ तो मेरे पास पेन भी नहीं दिखाने के लिए, ठीक तो मैं दिखा देता हूँ। मतलब ये जो है इसके 90 डिग्री, ये क्या है इसके 90 डिग्री, मैं कुछ इस टाइप की चीजें होती है। यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे इसको बोलती है खाँच होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी। कोई भी फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोले मुझे? एम्पुला। पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टी एम्पुलरिस। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी एम्पुलरिस। ठीक है, ये एस है बच्चे, एस, क्रिस्टी एम्पुलरिस। तो कोई भी फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। कितने एम्पुला हो गए यहाँ पे? तीन। और तीनों कैसे होते हैं एक दूसरे के? तो तीन हो गए सेमी सर्कुलर कैनाल बच्चे। क्या होगा? सेमी सर्कुलर कैनाल, जो पेपेंडिकुलर होते हैं। इनका आप एंगल चेक करो तो कितना होगा? 90 डिग्री। कैसा होगा 90 डिग्री? हो जाएगा हमारे तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है जो एक दूसरे क्या है 90 डिग्री। क्लियर? आप देखो जरा यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो बताया था हमने बच्चे, क्या होता है देखो? एम्पुला। क्या होता है देखो? एम्पुला। और एम्पुला के अंदर जो देखोगे तो ये हो जाता है क्रिस्टी एम्पुलरिस, एम्पुला। हाँ, ये देखो यहाँ पे। अब ये जो एम्पुला वाला पार्ट है, कौन सा? एम्पुला वाला पार्ट, एम्पुला वाला पार्ट और माइकुला वाला पार्ट, ये दोनों मिलते हैं और ये क्या करते हैं? बॉडी को बैलेंस करते हैं। वाह, यानी कि ओटोलिथ का मैकुला, ओटोलिथ का मैकुला, ओटोलिथ का मैकुला और सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्पुला, ये दोनों मिलके बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। नोट कर लो, ये पूरी कहानी है बॉडी को बैलेंस करने की। कहीं कहीं के आप एम्पुला लिखेंगे या क्रिस्टी एम्पुलरिस भी लिख सकते हो, इसको क्रिस्टी एम्पुलरिस। एम्पुला में क्या होता है? क्रिस्टी एम्पुलिस, ये मिल जाएगा आपको। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी को बैलेंस। तो क्रिस्टी एम्पुलिस, मैकुला या एम्पुला और मैकुला, ये दोनों मिलके बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये वाला प्रश्न बॉडी का बैलेंस खत्म। हो गया बच्चे? हो गया? आगे बढ़े। देखो ये हम लोग बात करें यहाँ पे बॉडी को बैलेंस करने में तीन दो चीज़ होगा। एक तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं, एक दो तीन जो होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे, और यहाँ पे आगे चल के एक फूला हुआ पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला आपने और कहीं पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे क्या होता था? फर्टिलाइजेशन, याद है? वहाँ पढ़ा था आपने फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है, ठीक। तो वो वैसा मत, कहीं भी पोर्शन फूला हुआ हो रहेगा वहाँ पे हम उसको एम्पुला बोल सकते हैं। तो क्रिस्टी एम्पुलरिस और साथ में बताया था यहाँ पे जो मैकुला होता है, ठीक है, ये दोनों मिलके बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। क्लियर? अब आ जाओ इसके आगे, आ जाओ इधर। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं रह गया है, चैप्टर की सिद्धांत देते हैं बहुत जल्दी।
और आज ही कोशिश करेंगे कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम की खत्म तो नहीं हो पाएगा, मिट कर देंगे। देखो देखो, स्वेलेंस एंड इज कॉल्ड द एम्पुला विच कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड द क्रिस्टी एम्पुलरिस, जो फूला हुआ पार्ट था उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी एम्पुलरिस विच हैज हेयर सेल। इसी क्रिस्टी एम्पुलरिस में कुछ हेयर सेल भी पाए जाते हैं। देखो, दिस सेक्यूल एंड यूटिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड द माइकुला। जो सेक्यूल और यूटिकल होता है इसी में जो प्रोजेक्टिंग रिज पाया जाता है इसको माइकुला बोलते हैं, यानी यहाँ भी रिज होगा वहां भी रिज होगा। द क्रिस्टी एंड माइकुला, क्रिस्टी एंड माइकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द वेस्टिबुलर एपरेटस। और क्रिस्टी और माइकुला जो होता है, ठीक है, ये क्रिस्टी एम्पुलरिस बोल सकते हो, ठीक, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेस्टिबुलर एपरेटस होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पॉइस्चर, बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक, चलो तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे, अगला हम लोग इतना कर समझ गया तो मैकेनिज्म और हियरिंग में कुछ आपको बचेगा नहीं। ठीक, जो देखो अगर हम बात करें कि जो हम लोग देखते हैं वो कैसे देखते थे, सनलाइट जब जाती है तो कैसे जाएगा, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, कॉर्निया पे, फिर कहाँ जाएगा, एक्वस चैम्बर, फिर कहाँ जाएगा, लेंस पे, फिर कहाँ जाएगा, विट्रस चैम्बर, फिर कहाँ जाएगा, फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर में कितने बताए थे हमने, कौन कौन सी, रोडोप्सिन, रॉड सेल और कॉर्न सेल। कॉर्न सेल, रॉड सेल किसके लिए होता है, रात में देखने के लिए, दूसरा नाम क्या था इसका, है ट्वाइलाइट विजन और स्कोटोपिक विजन, याद है, ठीक है, नाइट विजन भी सीख बोल सकते हैं। और जो हमारा था उसके बाद कौन सेल होगा, ठीक है, कौन सेल किसके लिए था, दिन में देखने के लिए, है ना, रॉड सेल जब इस पर लाइट पड़ती दो पार्ट में टूट जाता है, रोडोप्सिन से, रोडोप्सिन दो पार्ट टूटेगा रॉड सेल में और ऑप्सिन में, ऑप्सिन क्या होता है, प्रोटीन और साथ में विटामिन ए होता है, इसमें जो एल्डिहाइड होता है इसको बोलते हैं रेटिनल, क्या बोलेंगे, रेटिनल। और कौन सेल किसके लिए होता है, दिन में देखने के लिए होता है ना, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। कलर विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला बताया था रेड, ग्रीन और ब्लू, अगर तीनों इक्वल गिरते हैं तो कलर दिखाई देगा व्हाइट, बाकी कलर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। यहाँ देखो बॉडी के पॉस्चर, अब इसी तरीके से मैकेनिज्म आप हियरिंग में देख लेते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। देखो कह रहे कि हाउ डस ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द न्यूरल इंपल्स, न्यूरल इंपल्स में कैसे कन्वर्ट करेगा, विच आर, अच्छा हमारी बॉडी जो आंख थी उसमें न्यूरल इंपल्स कौन से ज्यादा था, रेटिना के अंदर, रेटिना के अंदर कितने टाइप के सेल थे, तीन टाइप के, पहला बताया था फोटोरिसेप्टर, दूसरा कौन सा था, बाइपोलर न्यूरॉन, उसके बाद गैंगलियन सेल, गैंगलियन सेल से कहां जाता था, ऑप्टिक नर्व के होते हुए कहां जाएगा, ऑप्टिक सेंटर पे, है ना, विजुअल कॉर्टेक्स। यहां देखो कह रहे कि विच आर सेंसेड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन enabling us to recognize a sound, इससे हम साउंड हम सुन सकते हैं, the external ear receives sound wave and direct them to the eardrum, external ear होता है sound wave को receive करेगा, साथ साथ इसको कहाँ करेगा, eardrum तक पहुँचाने का काम करता है, direct, यानी कि direction देता है, ठीक, इससे काम लगाता नहीं, हाँ बोलो कहाँ से बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो, पहले जब फोन आता था लैंडलाइन वाला, हाँ बोलो जल्दी कहाँ बोल रहे हो, तो कान को भी लगा लेते थे इसके में, आज भी लोग कर लेते हैं, सुनते हैं, ईयर ड्रम, कहने कि ईयर ड्रम जो होता है वाइब्रेट रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव एंड दिस वाइब्रेशन, साउंड वेव आपने पढ़ा ही होगा, मैकेनिकल के नॉन मैकेनिकल, साउंड वेव जिसने पढ़ चुके नहीं पढ़े अभी, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे अरे देखो, एंड दिस वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड टू द ईयर ऑस्किल, कैसे, ईयर ऑस्किल से ट्रांसफर होगा, कैसे आया, देखो ईयर पिन्ना से आते हुए एक्सटर्नल आल्टीमीटर से कहाँ गया, ईयर ड्रम पे, देखो उसके बाद कहाँ गया, देखो ईयर ऑस्किल, अच्छा हम ईयर ड्रम की बात करते हैं, वहां कौन सी बोन जुड़ी हुई है, माइकुला, माइकुला मैलियस, क्या मैलियस, उसके बाद कहाँ जाएगा, इनकस, फिर कहाँ जाएगा, स्टेप, फिर कहाँ जाएगा, राउंड विंडो को ओवल विंडो, ओवल विंडो, फिर कहाँ जाएगा, अरे पेरिलिम, फिर नीचे आएगा कहाँ पे, स्केला टिम्पनाई में, स्केला टिम्पनाई से कहाँ जाएगा, फिर राउंड विंडो, राउंड विंडो फिर से कहाँ चला जाएगा, मिडिल ईयर में, कहाँ पे, यहाँ देखो स्टेप टू द ओवल विंडो, ये कहाँ जाएगा, देखो ओवल विंडो में, द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो और ओवल विंडो से होके जाएगा, आगे देखो ऑन टू द फ्लूड ऑफ द कॉकलिया, तो कॉकलिया उसके अंदर फ्लूड भरा होगा, वेयर दिस जनरेट वेव, जैसे आपने देखा कि पानी में आप कभी नदी किनारे गए हो तब करते क्या है, पता है क्या करते हो, पहले तो आप ढूंढते हैं कुछ पत्थर और बैठ के आराम से
मारते रहते हैं। देखो 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 देखो, ये तो करते हैं ध्यान से देखते रहे, जहां पे पत्थर गिरता वहां होता क्या है, ये जनरेट करता है, ठीक है ऐसे। और जाते जाते धीरे धीरे देखते हैं पूरी वेव खत्म हो जाती है। और एक चीज और किया होगा आपने, क्या यूं उठाया था और ये यूं मारने वाला, मारा है कभी, यूं जाता है अपने डम में, होता है। देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे वेव जनरेट होता है, वैसे साउंड आएगा तो यहाँ पे लिक्विड में वेव जनरेट हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यानी कि वेव इन द लिम्फ, उससे क्या होगा, और वेव जनरेट हो जाएगा तो उसको पता है टेरिटोरियल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, नीचे क्या है हेयर सेल लगे हुए हैं, तो मूवमेंट करना शुरू कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा तो नीचे से जो सेल लगे हुए हैं रिसेप्टर लगे हुए हैं परसीव कर लेगा, एफरेंट नर्व फाइबर्स उठा के कहाँ डाल देंगे इसको, ब्रेन में, कहाँ पे ब्रेन में, तो वहाँ पे इसको एक तरीके से कह सकते हैं महसूस करते हैं कौन सी आवाज आ रही है। द वेव इन द लिम्फ इंड्यूस ए रिपल, रिपल मतलब रिपल फैक्टर पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स में, पता है रिपल मतलब उसमें बहुत तेज जो है एक तरीके से वेव जनरेट होता है, एक लॉन्ग फॉर्म होता है रिपल इन द बेसलर मेम्ब्रेन, तो बेसलर मेम्ब्रेन कहाँ था, उस नीचे तो था, बेसलर मेम्ब्रेन को पिंच करेगा तो भाई साहब ये साउंड आ रहा है ऐसे, इसी बोलते हैं लोग रिपल। ठीक है, दिस मोमेंट ऑफ द बेसलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल, और ये क्या कर देते हैं हेयर सेल को बेंड करा देंगे, झुका देंगे, फिर क्या होगा, देखो हेयर सेल प्रेजेंटिंग प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में इसको प्रेस करते हैं, ठीक, तो उससे क्या होगा, देखो एज ए रिजल्ट नर इम्पल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन एंड दीज इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर से ट्रांसफर होगा वाया ऑडिटरी नर्व टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जैसे हमारा जो विजन वाला था वो ज्यादा था किस पे, विजुअल कॉर्टेक्स पे, तो सुनने वाला जो ब्रेन है कहाँ जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है सेंटर है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स पाया जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स आ जाता है, सुनने वाली चीजें यहाँ जाएगी और वहां पे देखने वाली चीजें विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी ब्रेन में, फिर क्या होगा, देखो वेयर द इम्पल्स आर एनालाइज एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज, जहां पे इम्पल्स को एनालाइज कर लिया जाता है और साउंड को यहाँ पे पहचान लिया जाता है कि साउंड किसकी है, दादी जी की है, मम्मी की है, कि आंटी की है, कि चाचा के हैं, पापा के हैं, कि डंडा लेके आया जा रहा है, नहीं पापा डंडा लेके आ रहे हैं, क्या है पढ़ाई नहीं हो रहा है, खट खट खट, जैसे पापा के देखे भाग लिए, पता लगा किताब खुल गया, किताब वहाँ पर किताब ही नहीं मिल रही, न्यूज पेपर ही पढ़ने लगे, देखो पापा इसमें पेपर आया हुआ है होता नहीं और क्या, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, देखो पापा इसमें क्वेश्चन देखो दिख रहा है, आज ही क्वेश्चन आया नीट का पहला, लग रहा है क्वेश्चन यहीं से आएगा, पापा अरे ठीक बिटिया पढ़ रही है लग रहा है कि नहीं, देखो यहाँ ये होता है गाने, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसा किया कभी, हुआ है, हुआ ही होगा है कि नहीं, हाँ देखो खासकर कोई मान लो सीरियल आ रहा हो टीवी में है ना, तुरंत बंद है ना, देखो पापा का भौगोलिक लग रहा था, देखो यहाँ देखो अब हम लोग बात करते हैं समरी की, समरी में ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, अगर होता है तो देख लेते हैं, सब कुछ तो बता चुके हैं, जो था वो भी बता दिए, जो नहीं था वो भी बता दिए, देखो बाकी विजन आप जानते हो कैसे कैसे विजन होते हैं, ठीक है सब हो गया, देखो अब आते क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस, छोड़ दो इसको, द लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, छोड़ दो इसको, ये नीट वाले को दे दो काम, वो करेंगे, वो ड्रा करके दें, आप लेवलिंग कर लेना, अगर आप फिगर दे दो लेवलिंग हम कर देंगे, इतना तो काम कर ही सकते हैं लोग, नहीं राइट ए शॉर्ट नोट, वो काम आपका हो गया है, आप जाके गिव ए ब्रीफ, ये MBBS में करना, रेटिना ईयर आज सब फर्स्ट ईयर में सब आएगा, ठीक वहाँ लिखना जाके पेपर में, देखो गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ, छोड़ दो इसको, आंसर ब्रीफली हाउ डू यू परसीव द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, छोड़ दो ये सब पढ़ना MBBS में जाके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रोल ऑफ सोडियम इन द जनरेशन, जानते ही आप डिफरेंस बिटवीन मैरिटेड एंड नॉन मैरिटेड, आगे आ जाओ, आंसर द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द ईयर डिटरमाइन पिक ऑफ द साउंड, चलो ये क्वेश्चन तो है धमाकेदार, कर लेते हैं इसको फटाफट, ठीक नहीं, देखो वहां जब जाना तो फिगर जरूर बनाना, नंबर पर मिलेगा नहीं, देखो फिगर बनाना ज्यादा और लिखना कम, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, फर्स्ट ईयर में आप 60-65% आ जाए बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट तो बांटते हैं, ये लो पंजीरी जैसे बांटते हैं, ये ले जाओ नंबर, पैसा दे तो अंदर पहुंचा जाना, बस हमारा काम हो जाएगा, देखो यहाँ पे कह रही विच पार्ट ऑफ द ईयर डिटरमाइन द गवर्नमेंट कॉलेज में 60% आना बहुत हालत खराब हो जाएगी, तो आप 95-99 बस 1% लगे बीमार हो गए उस दिन, नहीं मेरा 100% आ जाता है, उसके पापा भी कहते अरे कोई बात नहीं बेटा अगली बार ट्राई कर दे, यहाँ देखो हाँ उसमें भी दुखी मना रहे थे,
बस 1% रह गया था, नहीं 90-100% रहता है। 99% आया उसमें भी दुखी रहते हैं, ये तो हालात है। खैर अब यहाँ ला के दिखाओ MBBS में तो समझ जाएगा, देखो यहाँ पे असली औकात नहीं नजर आएगी। अरे विच पार्ट ऑफ द ईयर डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड, बताओ जो बच्चा ईयर ऑस्किल क्या बात करेंगे, ईयर ऑस्किल कितने गुना बताया था, 20 से 22 गुना ये पिच को साउंड को बढ़ा देता है, कौन ईयर ऑस्किल, ईयर ऑस्किल हो गया बच्चे है नहीं। मैलियस इनकस स्टेप की बात करें बच्चे, क्या बात कर रहे हैं, मैलियस इनकस और स्टेप मिस। देखो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट डेवलप, बताओ कौन सा डेवलप है, है? सेरेब्रम कि सेरेब्लम, है बिल्कुल सही जवाब सेरेब्रम, सेरेब्रम सेरेब्रम है कि नहीं, सबसे मेजर पार्ट था सेरेब्रम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, दोनों को आपने जोड़ा था किससे, कार्पस कैलोसम से, कार्पस कैलोसम और सेरेब्रम के ऊपर जस्ट क्या था सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या था माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और साथ में साइटोन कहां था सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, एग्जाम कहां था सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस कैसा था ग्रेज, कैसा था ग्रेज और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कैसा था वाइट। ठीक आगे देखो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है विच पार्ट ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज ए मास्टर क्लॉक, मास्टर क्लॉक समझते हो, आपको बताता रहता है कि आप बुढ़े हो रहे हैं, मेलाटोनिन कौन निकालता है पीनियल ग्लैंड, कौन सा पीनियल ग्लैंड बच्चे नोट कर लो पीनियल ग्लैंड, इस वन द रीजन ऑफ द वेब्रेट वेब्रेट वर्टिब्रेट आईज वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेज आउट ऑफ द रेटिना इज रिकॉर्ड है, बताओ जहां से ऑप्टिक नर्व निकलता है उस रीजन का नाम बताओ, हार्ड क्वेश्चन भैया पसीना आ गए, क्या बोलेंगे इसको सगुन बोलो, बैठी हुई लड़की सुबह से शाम तक बस खाती रहती बोलती कुछ नहीं है, बताओ अभी लगता नहीं इसके शरीर में लगता है लगता, बताओ खाती नहीं लगता कुछ नहीं, देखो सगुन खाती उसको लगता भी है सगुन, सगुन डबल दूसरी सगुन की बात कर रहे, बताओ शीतल कितनी रोटी खाती, 5 की 10 कितनी रोटी खाते हो, ऐ 5 कितने खाते हो, 2 ऑप्शन ही नहीं है, देखो 50 ऐ मिल गया, कैसे बैठी महारानी नवाब हो गए लखनऊ के, देखो ब्लाइंड स्पॉट वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब, सगुन का आंसर बिल्कुल सही है ब्लाइंड स्पॉट, कहां पे इमेज नहीं बनता है, काहे नहीं बनता है, है उड़ देंगे सो जाओगी, काहे नहीं बनता है, हाँ किसी ने बोला रेटिना नहीं होता है बच्चे सही बात है, वहां रेटिना ही नहीं होता है, जब रेटिना नहीं होगा तो फोटो रिसेप्टर नहीं होगा, फोटो रिसेप्टर नहीं होगा तो लाइट परसीव नहीं कर, लाइट देखो अगला हमारे पास आ जाओ डिस्टिंग्विश बिटवीन एफरेन न्यूरॉन एंड एफरेन, जानते हो ना एफरेन मैसेज को कहां ले जाएगा CNS पे, वहां से लाए कौन क्लियर इंपल्स कंडक्शन इन एनी माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्या कह रहे हैं डिस्टिंग्विश इंपल्स कंडक्शन इन एनी माइलिनेटेड नर्व फाइबर और अनमाइलिनेटेड, इससे कोई फायदा फर्क पड़ता नहीं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, हाँ देखो इससे फर्क क्या है, जैसे बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे एक वायर होता है ना वायर केबल होता है केबल, इसके अंदर वायर होगा ऊपर से हम लोगों ने प्लास्टिक लगा दिया, क्यों लगाया प्लास्टिक ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड हो, वो करंट जो है आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए ना कुछ, तो इसी वजह से होता है तो फर्क उसमें कुछ पड़ेगा नहीं, सिर्फ इतना होगा कि इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और जो माइलिनेटेड होगा उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, नॉन माइलिनेटेड इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, आपने देखा होगा जो डिजिटल सर्किट होते हैं उसके अंदर देखो वायर नेकेड ही होते हैं उसमें कोई नहीं होता, ठीक है बाहर की वायर होती है, मान लो ये वायर सब में लगाया जाएगा क्या पता कि सगुन जाके पकड़ ले उसको, है कि नहीं इसलिए लगाया गया है कोई भरोसा नहीं है, देखो हाँ और क्या, देखो हो गया समझ में आ गया, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर पता ही आपको, एक्वस ह्यूमर में कैसा होता है बचाओ वाटरी फ्लूइड होता है जबकि विट्रस में जेल होता है, देखो ट्रांसपेरेंट जेल क्या बताया गया ट्रांसपेरेंट जेल, ध्यान रखिएगा ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट बताओ जल्दी, ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है इमेज बनता है नहीं बनता, येलो स्पॉट पे इमेज बनता है सबसे अच्छा बनता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं कौन से ओनली कौन से डेंसली पैक्ड, इसी वजह से येलो स्पॉट में इमेज सबसे ज्यादा बनता है, दूसरा नाम क्या है येलो स्पॉट का माइकुला लुटिया फोबिया गड्ढे का नाम है बच्चे, ये गड्ढा ये गड्ढे का नाम है फोबिया सेंटेलिस, इसका नाम माइकुला लुटिया येलो स्पॉट इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत आगे बढ़े जवानों आ जाओ देवियों सज्जनों याद रखो, हाँ बोलो
आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं, आ रहे हैं उस पर, हो गया कि अगर क्या बताओ मास्टर क्लास। हाँ पिनियल ग्लैंड है, अभी इधर आएगा, अभी ग्लैंड में अभी आएगा, अभी बताते हैं उसको, ठीक है उसमें आएगा, ग्लैंड वाला पीछे है ना उसमें, जब आएगा उस बारे में बात करेंगे, मुझे याद दिला देना कि हाँ सर आपने वहाँ बताया, तो फिर हम फिर बता देंगे, वहीं बताएंगे ग्लैंड वाला का टॉपिक है ना उसी में। कायदे से एंडोक्राइन पहले देना चाहिए था, ये बाद में देना चाहिए था, है ना, वो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है, माफ कर दो एनसीईआरटी वालों को। यहाँ देखो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, बताओ क्रेनियल नर्व होते हैं लगभग 12 पेयर है ना, ये होंगे तो क्रेनियल नर्व पर कोई जानकारी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, तो वो ज्यादा हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है उसको जो सप्लाई करे किससे, क्रेनियल नर्व की तरफ, ब्रेन के अलावा यहाँ से बाहर जाए हमारी पूरी बॉडी सप्लाई करता है कौन, स्पाइनल नर्व में। जैसे मान लो कोई आदमी जा रहा है और पीछे से किसी गाय ठाकस मार दिया, यहाँ मान लो उसका क्रेनियल नर्व डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। तो स्पाइनल नर्व हमारे पूरे बॉडी को देता है, क्रेनियल नर्व सप्लाई सिर्फ हमारे ब्रेन को देता है, मैं ब्रेन को खुद सप्लाई देता है, क्या ब्रेन को, हाँ ब्रेन वाले, बाकी इसके बाद पूरी बॉडी को, तो बॉडी पार्ट में नहीं है तो स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाएगा, उल्टा बोल दिया, बोल चोक लेने देनी, माफ कर दो, क्यों कर लिए, आगे आ जाते, देखो आगे आ जाते, बात मत करो दीदी लोग, इधर सामने देखो, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आगे से, हाँ हाँ बातें करने लग जाते हम लोग, और कुछ बचा कोई इसमें, बस कहाँ गया प्रभात सिंह राठौर, चलो आ जाओ, क्या बच्चे क्या, कुछ नहीं, कुछ तो है, कहाँ गया इंडोक्राइन, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कौन सेक्टर था बच्चे वाला, न्यूरल वाला 21 ना, डाला तो होगा इसने, हाँ कहाँ से करूँ, यहाँ से दिखा रहा हूँ, कहाँ का बोलो, अब दो गई, हमें लगा हम ही इकलौते हैं, देखो यहाँ पर, अरे इसमें ब्राउज़र में फाइल पे, ठीक है कर दो, इसमें यार ऑलरेडी किया होगा, नहीं नहीं हो गया, हाँ केमिकल कंडीशन ना, CHEMI इसमें अपडेट है कि नहीं, कह रहा आगे कह रहा है कौन आ जाए, बस पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, है कोई बात नहीं, आज पुराने से कांत ला लो कल नए से कांत ला लेना, कोई दिक्कत नहीं, पुराना है ना लेटेस्ट डालो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है बच्चे, देखो इसमें जो बदलाव किया गया है थोड़ा सा पिट्यूटरी में है ना, एक आध और जगह बता दूंगा आपको, यहाँ पे हम लोग बात करें देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कायदे इसको पहले पढ़ाना चाहिए है ना, देखो हम लोग बात करें यहाँ पे देखो मैसेज पूरी बॉडी में कंट्रोल करने दो तरीके थे, एक तो तुरंत और एक कुछ देर बाद, मैं कुछ तुरंत करना तो हमारे पास ब्रेन काम करता था, और कुछ देर बाद काम करने के लिए हमारा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी केमिकल जो कंपाउंड होता है ये करता है, क्या लिखा हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब क्या है, किसी केमिकल की मदद से पूरी बॉडी को ये मेंटेन करने का काम करता है, पूरे बॉडी को एक तरीके से कह सकते हो तो वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल ये भी करते हैं है ना, लेकिन ये किसी केमिकल की मदद से करते हैं, इसी केमिकल का यहाँ पे नाम दिया गया है क्या, हार्मोन, क्या बोलते हैं यहाँ पे हार्मोन, देखो
और कुछ लोग ये लगता है कि जो हार्मोन निकालने के लिए इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हार्मोन निकालने क्या करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है, कोई आर्गन भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन निकलते हैं, ये किसी भी टिश्यू ऑर्गन से निकल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे एक आपने देखा होगा इंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। देखो एक्सोक्राइन में क्या होता है, हमने क्या बताया यहाँ पे किसी डक्ट के माध्यम से, देखो ये डक्ट होती है, यहाँ जो सिक्रीशन होता है ये किसी डक्ट के माध्यम से जाते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कौन सा डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड में वो कौन सा सलाइवरी पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट क्या नाम था, अच्छा हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आप सब बता रहे हो, ये बढ़िया है, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, छाट लीजिए आप। एक्सटेंशन डक्ट कौन सा था, एक्सटेंशन डक्ट, ठीक। सब मैगजीन सब मेंडिबुलर बोलते हैं वॉटन डक्ट, क्या बोलेंगे वॉटन डक्ट, यहाँ देखो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन डक्ट। ये अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के माध्यम से ले जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंडोक्राइन में, तो इंडोक्राइन में पहले जो है इसमें जो ये मान लो ये ग्लैंड सपोज दैट यहाँ पे हार्मोन है, और यहाँ पे क्या देखो ये ब्लड वेजल है, स्क्वैमस एंडोथेलियम को ना हुआ, यहाँ पे जो इसका सिक्रीशन है, ठीक है ये इसका सिक्रीशन डायरेक्टली आता है, देखो ये इसी ब्लड के कंटेंट में रहते हैं तो सिक्रीशन इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे कोई डक्ट वगैरह नहीं होती है। तो इंडोक्राइन जो होती है बच्चे कैसी होती है, ये होते हैं डक्टलेस होती है, पहली बात तो ये कैसे होती है डक्टलेस होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, ठीक है, या इंडोक्राइन कोई आर्गन हो सकता है, या कोई टिश्यू हो सकता है, या कोई सेल हो सकती है। पहली बात एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाया जाता है, इनका सिक्रीशन ग्लैंड से डायरेक्टली इसमें आता है, ब्लड वेजल में आता है। मैं पहली बात तो ये समझ लो, दूसरी बात देखो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, जरा क्या क्या पढ़ने वाले, देखो यहाँ पे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो कुछ ग्लैंड के बारे में जो हार्मोन सिक्रीशन करने का काम करते हैं। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड लिखना पाप पड़ेगा, हम इंडोक्राइन सिस्टम लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ग्लैंड ही हार्मोन निकलते, इसमें आ गया आपको इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। और क्या आएगा देखो, कोई टिश्यू हो सकता है, ठीक है, इंडोक्राइन आर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकता है, कि इंडोक्राइन ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है और सेल हो सकता है। देखो जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, बहुत सारे ग्लैंड हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड आपने बताया, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी हो गया, बहुत सारे हैं, और बताओ पैराथायराइड है ना, पैराथायराइड, अरे बहुत सारे हैं, ये पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ की बात कैसे आर्गन टिश्यू और सेल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या क्या नजर आएगा, देखो जैसे हमने आपको बताया था जीआईटी में, क्या बताया जीआईटी, अभी पढ़ेंगे गैस्टिन सिक्रीटिन निकलता है, इसमें आपका हो गया जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दूसरा बताओ लीवर में, हाँ बिल्कुल सही है लीवर, और क्या है हार्ट हो गया, पैंक्रियाज हो गया, बात सही है पैंक्रियाज हो गया, और क्या हो गया हार्ट हो गया, बिल्कुल किडनी हो गया है ना, ओवरी हो गया, क्या ओवरी, क्या ओवरी से हार्मोन निकलते हैं, ओवरियन हार्मोन याद है कौन कौन सा हार्मोन था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और कुछ देखो अगर हम बात करें ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये ऑर्गन है, क्या है ऑर्गन, क्या है आर्गन है बच्चे, ये है आर्गन, देखो यहां देखो जीआईटी की बात करें एग्जांपल में अगर देखोगे तो कौन कौन, देखो जैसे सिक्रीटिन, जैसे गैस्टिन, ठीक हो गया, लीवर बताओ, हाँ
इसमें कोई हार्मोन तो निकलता लीवर में, लीवर में है, पैंक्रियाज में तो है आपका, जैसे कहा कौन सा इंसुलिन है ना, इंसुलिन, हार्ट में बताओ एएनएफ, एट्रियल नेटवर्टिक फैक्टर, किडनी बताओ, ये जी किडनी में क्या था जे जी एफ, और कौन सा हार्मोन निकलता था रेनिन, क्या स्पेलिंग लिखे बताओ, रेनिन है, कौन निकलता जस्टा ग्लोमुलर एपरेटस, ओरी पता है, कौन कौन से बच्चे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या ये हो गया क्लियर, ये कुछ बात हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे एंजाइम निकलता था, हार्मोन भी ज्यादा नहीं आता, कोई कोई बातें भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लैंड होते वही हार्मोन निकालते हैं, जो इंडोक्राइन ऑर्गन होते हैं या टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, ये भी इसमें निकाल सकते हैं, क्या हार्मोन को सिक्रेशन कर सकते हैं, इसी बार हम लोग यहाँ पे बात करना, इंडोक्राइन ऑर्गन है ये, देखो ये इंडोक्राइन ऑर्गन, इंडोक्राइन टिश्यू, इंडोक्राइन सेल, आप समझा, सिर्फ इंडोक्राइन नहीं लिखा है, ये इंडोक्राइन ऑर्गन, इंडोक्राइन टिश्यू, इंडोक्राइन सेल है ना, कुछ इंडोक्राइन मतलब काम वही होगा, बस ये सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है और आर्गन लेवल पे है, इसलिए हमने इसको बोला, क्योंकि हार्मोन निकालेंगे तो इंडोक्राइन तो बोलना ही पड़ेगा, कोई डक्ट है नहीं तो हार्मोन तो बोलना ही पड़ेगा ना कुछ, प्लीज प्लस इसको ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, इंडोक्राइन आर्गन हो सकता है, इंडोक्राइन टिश्यू हो सकता है, इंडोक्राइन सेल हो सकता है, जो हार्मोन को सिक्रेशन करते हैं, ठीक, अब आ जाओ इसके नीचे, क्या बच्चे क्या वो सीखा, क्या बच्चे भूख लग रही है, भूत लगी हुई है, भूत यहां भूत नहीं रहता है, भूतों का बसेरा है इसी का, कली साथ नहीं दे रही है उसका, देखो क्या कह रही है, क्या करो बच्चे, पैंक्रियास ग्लैंड, हाँ बच्चे एंजॉय किडनी दोनों ग्लैंड है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पैंक्रियास मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, ठीक है, इंडोक्राइन वाला पोर्शन इंसुलिन निकालता है, ग्लूकागॉन निकालता है, अभी पूरा पढ़ेंगे हम लोग, हमने सिर्फ बात किया सिर्फ इंडोक्राइन की, हार्मोन की हम लिख रहे हैं, हम ही को भगा रही, तो सर थोड़ा खिसकिए उधर, उधर खिसकिए, सीता लिख लिया है, उड़ दे जाओगे, सो जाओगे, हो गया, चलो आगे जाओ, तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते बच्चे, हैं पिट्यूटरी को, पक्का आ जाओ इधर आ जाओ, ये हो गया, तो ये दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं कि इंडोक्राइन ग्लैंड तो वही हार्मोन निकाले, इंडोक्राइन कुछ आर्गन भी होते हैं वो भी हार्मोन निकाल सकते हैं, कुछ टिश्यू होते वो भी निकाल सकते हैं, हालांकि मैंने इंडोक्राइन लिख दिया है, बट कोई आर्गन टिश्यू या सेल जो हार्मोन को रिलीज कर सकता है,
में कुछ वो इंडोक्राइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी सकते, लेकिन हार्मोन निकालेंगे तो इंडोक्राइन हम बोल सकते हैं। यहां देखो आगे, अब आते हैं इसके आगे, कहां गए बेटा तुम। कह रहे हैं यहां पे पढ़ना क्या, देखो इसमें कह रहे हैं यहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। यहां देखो ग्लैंड पढ़ना, हार्मोन पढ़ना है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी और जीआईटी के बारे में पढ़ना, मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ना, काम कैसे करता है। देखो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन, ध्यान रखिएगा जो न्यूरल सिस्टम होता है इसकी बात करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड करता है देखो क्विक, ठीक है। दूसरी बात, तो अगर आपसे पूछता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, इंडोक्राइन सिस्टम कि न्यूरल सिस्टम, क्या बोलोगे? दोनों, इंडोक्राइन, कूट दे जाओगे अभी, देखो न्यूरल सिस्टम कहां पढ़ा था, न्यूरल सिस्टम पढ़ाया था ना, भूल गए सगुन, वो यहां भुलक्कड़ कहेंगे। यहां देखो कह रहे कि यहां पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है कैसे बच्चे होता है, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है, ध्यान रखिएगा ये बच्चे फास्ट है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी, ये जो नर्व फाइबर होते हैं पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैलते, देखो ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड हेंस सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, इसलिए जो सेलुलर फंक्शन को लगातार जो है रेगुलेट करना होता है, तो अब सारा काम नर्व से नहीं हो सकता है, कुछ काम के लिए आपको हार्मोन यूज करना पड़ेगा। स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, क्या किया गया देखो यहाँ पे, दिस फंक्शन कैरीड आउट बाय द हार्मोन, ये किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, हार्मोन, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बताया था जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम को मिला के हम लोगों ने क्या बोला था, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्या बोला था, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो यहाँ पे देखो क्लियर, अगर देखते हैं यहाँ पे के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें और साथ साथ हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट एंड हेंस कॉल्ड द डक्टलेस, पहली बात ये कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड में कभी भी डक्ट नहीं पाई जाती, कैसी होती है, डक्टलेस होती, पहली बात ध्यान रखिएगा। फिर देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड द हार्मोन, इनके सिक्रीशन क्या बोलते हैं बच्चे, हार्मोन, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इन टू द ब्लड एंड ट्रांसमिटेड डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन एज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोस, क्या कह रहे देखो, ये जो हार्मोन होता है बच्चे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब क्या है, ये आपको खाने में नहीं मिलेगा, कि आपको ग्रोथ हार्मोन चाहिए और आपको खाने में मिल जाएगा, आज कोई डिश बनाते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन मिल जाए आपको, ऐसा नहीं मिलेगा उसमें कुछ, तो आपको कभी भी ये खाने में नहीं मिलेगा, यानी कि खाने के माध्यम से इस हार्मोन की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं आगे देखो दूसरी बात करें, पहला चौथा नॉन न्यूट्रिएंट, दूसरा विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंटरसेलुलर मैसेंजर, दो सेल के बीच में, ठीक है, इंट्रा नहीं है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, और देखो एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ट्रेस मतलब बहुत ही कम। तो तीन बातें याद रखिएगा, पहली चीज तो ये खाने के माध्यम से नहीं पूरा कर सकते इस हार्मोन कमी को, ठीक, नॉन न्यूट्रिएंट है। दूसरी बात यह है इंटरसेलुलर मैसेंजर काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल को ये मैसेज देने का काम करता है, और तीसरी बात यहाँ पे यह है इनका सिक्रीशन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, याद करिए मैंने सेल वाले टॉपिक बताया था, याद है, किसमें मेजर करते हैं इसको, मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, किलोग्राम में, डेकाग्राम में, नैनोग्राम में या माइक्रोग्राम में, है? क्या है शीतल, बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है, बोलो किसमें, नैनोग्राम में, इसमें बताओ, सीखा, बता नहीं रही लड़की, शरण बैठी हुई है, जो शरण बैठता है उसको कूट देते हैं हम, ठीक है, नैनोग्राम, याद है कुछ, इसमें नैनोग्राम बच्चे, इसमें नैनोग्राम में, देखो एक न्यू डिफिनेशन कवर्स नंबर्स ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एडिशन टू द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड, आगे देखो बच्चे क्या इसका जो क्या नाम सिक्रेशन होता है हम लोग समझ में आता है, लेकिन जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं उसमें क्या होता है, देखो कह रहे कि इन्वर्टिब्रेट पासेस पॉजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है,
with a few hormones, whereas a large numbers of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrate. तो कह रहे हैं कि जो इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे तो यहाँ भी होता है एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कुमला के वर्टिब्रेट में होंगे और इनवर्टिब्रेट में होंगे, लेकिन इनवर्टिब्रेट बहुत सिंपल होता है, वर्टिब्रेट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग देखेंगे, देखो कह रहे कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर, यहाँ पे बताया गया ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये डिफरेंस याद रखना, ये पूछा गया ध्यान रखना, केरला पीएमटी में आ चुका है, अभी तक नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं फिलहाल। देखो तीन बातें याद रखेंगे हार्मोन के बारे में, सबसे पहले बताया गया यहाँ पे देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, देखो बात नहीं करो क्या बच्चे क्या कर, इसके कहने मतलब जाओगे तुम, देखो वो सीधे बैठे हुई है। देखो यहाँ पे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ टाइम तो हो गया, तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए बहुत तेज, नीट एग्जाम आने वाला है कि नहीं, सही बात है। देखो कह रहे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देखो यहाँ पे कह रहे कि एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू, हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। अभी सब मिलकर बनाते हैं क्या एंडोक्राइन सिस्टम, जो पीछे आपको बता चुके हैं कौन कौन, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज और पैराथायराइड ग्लैंड, थायमस और गोनेड, कुछ गोनेड भी होते हैं जैसे बताया था हमने, कौन सा टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल में। ठीक टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता था पता किसी को, टेस्टोस्टेरोन, कौन निकलता था, एंड्रोजन तो मेन टेस्टोस्टेरोन टाइप है, कौन कौन निकालता था टेस्टोस्टेरोन, रिलीज कौन करता था बताओ बताओ, लेडिंग सेल, वेरी गुड, क्या बताएंगे लेडिंग सेल, ठीक है लेडिंग सेल आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जीआईटी की बात कर ले हम लोग, ठीक है जीआईटी, और देखो कह रहे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, और देखो अरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो होता है, साथ साथ कह रहे हैं जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सीक्रेशन, तो हाइपोथैलेमस वो भी हार्मोन निकालेंगे, क्या नाम होगा इसका जीएनआरएच, क्या बोलेंगे जीएनआरएच, ठीक है देखो, और हाइपोथैलेमस के अंदर होता है न्यूक्लियाई, वही न्यूक्लियाई निकालेंगे जीएनआरएच। हाँ देखो यहाँ पे कुछ आपको पोजीशन दिखाया गया, पहली चीज अगर हम बात करें पीनियल की साथ में पिट्यूटरी की, तो पाए जाते हैं हेड वाले रीजन में, कहाँ पे हेड वाले, तो हेड में तीन ग्लैंड है पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को मास्टर और हाइपोथैलेमस को प्रिंसिपल बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए प्रिंसिपल, तो मास्टर का मास्टर क्या कहलाता है प्रिंसिपल, है कि नहीं, ये मास्टर ऑफ मास्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा मास्टर ग्लैंड, क्यों करते हैं अभी देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। देखो क्या हुआ सर, कुछ नहीं, व्हाट इज दिस, बोलो चल हो गया, ये बात है। देखो अगला हमारे पास देखो क्या है, थायराइड और पैराथायराइड, फ्रंट साइड पे थायराइड, बैक साइड पे पैराथायराइड, पैराथायराइड कितने हो गए चार, ये हो जाएंगे थायराइड। देखो इसके बाद देखो यहाँ पे थायमस सबसे जस्ट नीचे आते हैं, लूप आर्गन है क्या थायमस, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे अभी, साथ में हो गया एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, साथ साथ यहाँ पे ओवरी है किसमें फीमेल में, और टेस्टिस है किसमें मेल में। ठीक तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना, देखो तीन पार्ट बताया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनियल की पाए जाते हैं हेड में, बाकी सब पूरे अदर बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं। बस दस मिनट ज्यादा नहीं, हाइपोथैलेमस याद देखो हाइपोथैलेमस हो गया बच्चे, देखो कह रहे कि एज यू द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंस के फ्लॉन, मार्क करो देखो तीन पार्ट होते हैं अगर देखें यहाँ पे, कह रहे कि जो एक प्रोजेन सिफिलान, मेजेन सिफिलान और डायन के फ्लॉन, ये कह रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है इज द बेसल पार्ट ऑफ डायन के फ्लॉन, तो डायन के फ्लॉन के बेसल पार्ट पे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है कह रहे कि फोर ब्रेन एंड इट इज अपॉन पार्ट है एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, फिर इसमें क्या होता है इट कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल,
यहाँ पे न्यूरो सिक्रेटरी सेल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियाई बोलते, याद है न्यूक्लियाई क्या थे, न्यूक्लियाई क्या थे, बताए थे पीछे न्यूक्लियाई एग्जॉन का ग्रुप था ये, यहाँ पे एग्जॉन बहुत सारे मिल जाते हैं, कैटोन अलग हो एग्जॉन आपस में मिल जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाई, ठीक है, क्या बोलेंगे न्यूक्लियाई, विच प्रोड्यूस हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस के अंदर बच्चे जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ सिंथेसिस, दो चीजें सिंथेसिस भी करेगा और सिक्रीशन भी करेगा, किसको पिट्यूटरी हार्मोन को, कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है, सॉरी पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, कहां पे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में, जब भी बॉडी में फ्लूइड की कमी होती थी तुरंत रिसेप्टर मैसेज पहुंचता था कहां पे हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देता था, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर सब हो चुके हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बच्चे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता था, कौन सा हार्मोन जो डीसीटी वाले पार्ट पे काम करता था, क्या कह रही हो बोलना सीख जा लड़की, एडीएच बोलेंगे, क्या बोलेंगे एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन, याद है वैसोप्रेसिन, क्या बोलेंगे वैसोप्रेसिन, और ये वहां पे काम करके वहां से पानी का अब्जॉर्प्शन करना शुरू करते हैं, यहाँ देखो कह रही कि यहाँ पे सिंथेसिस भी कराएगा और सिक्रीशन भी कराएगा, किस चीज को पिट्यूटरी हार्मोन को, हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप, देखो जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होता है बच्चे, हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, तो पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्या करता है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन निकालने के लिए, एंड इनहिबिटिंग, आगे देखो इनहिबिटिंग हार्मोन, देखो दो काम होता है, एक तो उसको बढ़ाने के लिए, एक उसको घटाने के लिए, दोनों चीज होनी चाहिए, है कि नहीं, ऐसे अगर मान लो हमारे पास एक्सीलेटर होता है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ नीचे ब्रेक भी होता है गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए, दोनों में से अगर एक गैप हो गया तो काम नहीं चल पाएगा, है कि नहीं, वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन भी है विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को कम करने का काम करता है, दोनों चीजें बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है इसका नाम देखो क्या बताया गया है, गोनाडोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, याद करिए बताया था इसके बारे में, GnRH के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जैसे ही बच्चा होता है 12-13 साल का, ठीक तुरंत मैसेज पहुंचता है किसको हाइपोथैलेमस को, तो क्या रिलीज करता था गोनाडोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH निकालने का काम करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है, देखो गोनाडोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन, और गोनाडोट्रोपिन निकालने का काम करता था, देखो आगे ऑन द अदर हैंड गोनाडोट्रोपिन क्या बताया था आपको LH और FSH, है कि नहीं, ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन, यहाँ देखो ये जो सोमैटोस्टेटिन होता है हमने बताया दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक तो घटाने वाला एक बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला कौन सा हो गया GnRH, अब क्या होगा घटाने वाला, क्या करता देखो सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ क्या ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ये ग्रोथ हार्मोन को कम क्यों कर रहा है, ओवर सिक्रीशन ना होने पाए, अदरवाइज आदमी लंबा लंबा बहुत अच्छे और लंबा और अच्छा और ये लंबा हो गया पूरा, पता लगा उसको यहाँ पे मान लो स्टूडेंट कोई आ जाए ये दीवार तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, झुक के आना पड़ेगा उसको, सोचो कितना बड़ा हो जाए, है कि नहीं, तो वो ज्यादा उसकी लंबाई ना बढ़ने पाए तो इससे वहां पे ये होता है हमारा कौन सोमैटोस्टेटिन, क्लियर हुआ, तो सोमैटोस्टेटिन निकलता कहां से बच्चे, कहां से निकलता है हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी नहीं बच्चे हाइपोथैलेमस से, दो हार्मोन एक GnRH और दूसरा कौन सा है सोमैटोस्टेटिन, ठीक देखो आगे एक घटाने के लिए दूसरा बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, देखो आगे दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द कहां हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, और हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं, आगे देखो पासेस थ्रू द एग्जॉन, और एग्जॉन के थ्रू ये पास होगा एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको सिनेप्टिक नर्व, क्या बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, ऐसे था ये देखो ये घड़ा जैसा ये देखो, है कि नहीं, देखो नर्व एंडिंग पे सेक्रेटरी सिस्टम, दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है क्या काम करेगा जिसके लिए भेजा गया है थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके माध्यम से पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, पोर्टल पढ़ा चुके हैं आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या था उसमें बताया था स्टमक इंटेस्टाइन स्प्लीन गॉल ब्लैडर, है कि नहीं,
यहां से जब ब्लड आता है तो डायरेक्टली जो है वो हार्ट में वापस नहीं जाता है, तो कहाँ जाएगा? लीवर में, और लीवर के बाद फिर कहाँ जाएगा? तब ये हार्ट में जाता है ना, हार्ट में जाएगा। और उसके बाद हमने बताया था हिपैटिक पोर्टल वेन, एक हमने बताया था पोर्टल वेन, एक बताया था हिपैटिक वेन, ठीक है। तो हिपैटिक वेन में यूरिया बताया था काफी ज्यादा हो जाता है कि नहीं, इसके वजह से उसको निकालना जरूरी होता है। तो ब्लड में डाल देंगे, ब्लड कहाँ डाल देगा? उसको किडनी में। यहाँ देखो, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी, और इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन सा? इंटीरियर पिट्यूटरी। और देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन पासेस थ्रू द एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम निकलेगा, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान रखिएगा, पोर्टल सिस्टम कहाँ पे है? इंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टियर पिट्यूटरी में ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट लिंक होता है, उसमें कोई ओटल पोर्टल नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, तो पोर्टल सिस्टम में कहाँ पे होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टियर में नहीं होता है। पोस्टियर में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट कंटेक्ट रहता है। समझा? कोई बात होती? हाँ, हेलो, फोन कर दिया, काम कराओ। लेकिन वहां पे बात करेंगे किसमें? इंटीरियर पिट्यूटरी में, तो वहां पे किसी दूसरे माध्यम से हाइपोथैलेमस किसी और को भेजेगा, फिर वो आके इंटीरियर पिट्यूटरी में काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो पोर्टल सिस्टम का संबंध किससे है बताओ? इंटीरियर पिट्यूटरी की पोस्टियर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ बच्चे? इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक। अब आगे देखो, पोस्टियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। तो पोस्टियर पिट्यूटरी होता है बच्चे, पोस्टियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पोस्टियर पिट्यूटरी जो होता है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंटेक्ट में होता है। ये बात आपका थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बारे में, क्लियर हुआ। तो हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं, एक जीएनआरएस, दूसरा सोमाटोस्टेटिन। जीएनआरएस क्या बताता था? हार्ट में जो एलएच और एफएसएस को सीरीज करेगा, ठीक है। और जो सोमैटोस्टेटिन होता है वो ग्रोथ हार्मोन को एक्सेस में होने से रोकने का काम करता था। बाकी बहुत सारे हार्मोन आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू। देखो ये चैप्टर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर, उसके बाद श्रद्धांजलि दे देंगे, उसके बाद स्टार्ट हो गया महाभौकाल महामैराथन रिविजन क्लास। रिवीजन होगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बंपर जितना मैंने बताया था, 20 से 25,000 क्वेश्चन कराएंगे ही, ठीक। जो आएगा उसको फायदा मिलेगा बच्चे।